अवैध तरीके से शराब की बिक्री कर रहे कामठी स्थित एक रेस्टोरेंट में छापा मारते हुए 19 आरोपियों को पांच मावली पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक रवि नागोसे ने अधिक जानकारी साझा की। अवैध शराब की बिक्री करने वाले लोगों पर नकेल कसते हुए पांच पावली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त की है। मिली जानकारी के अनुसार पांच पावली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कामठी रोड स्थित गुरुपाल रेस्टोरेंट में अवैध शराब बेची जा रही है, जिसके चलते इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उपरोक्त स्थान पर छापा मारा। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक रवि नागोसे ने अधिक जानकारी साझा की। काल आम्हाला गुप्त माहितीदाराद्वारे माहिती मिळाली की न्यू गुरुपाल किचन रेस्टॉरंट येथे अवैधरित्या देशी दारूचा पुरवठा करून त्यांना पुरवठा केला जातो। अशा माहितीवरून सदर ठिकाणी रेड कारवाई करण्यात आली। त्या ठिकाणी एकोणीस आरोपींना अटक करण्यात आली आणि जप्त मुद्देमाल हा 6,960 रुपयाचा मुद्देमाला जप्त करण्यात आला। याआधी सदर ठिकाणी एक कारवाई करण्यात आलेली होती। जवळपास 15 ते 20 दिवसाआधी कारवाई करण्यात आली होती। सर, आपण लोकांना काय आवाहन कराल आणि ढाबे मालकांना काय खास करून? त्यामध्ये ढाबे मालकांना जे त्यांच्या परवान्यामध्ये जे अटी शर्ती आहेत त्याप्रमाणे त्यांनी ग्राहकांना पुरवण्यात आपलं जेवण वगैरे पुरवण्यात यावे आणि अशा प्रकारच्या अवैध रित्या कोणाने दारू उपलब्ध करून देण्यात येऊ नये। किती आरोपी म्हणून झाले? यामध्ये 19 आरोपी आहेत आणि पुढील तपास हे कोशिश करतात। इस दरमियान पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 6,960 रुपए का मुद्देमाल जब्त करने में कामयाबी हासिल की। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।